गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम राजेश एंड वी आर वॉचिंग एंजल टेक एनालिसिस। बात करेंगे बैंक निफ्टी की, देखेंगे मंडे के लिए हमारा ट्रेडिंग प्लान क्या होना चाहिए, कौन कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं, किस तरीके से अपने को गैप अप में ट्रेड करना है, गैप डाउन में ट्रेड करना है, या मार्केट अगर फ्लैट ओपन होती है तो किस तरीके से ट्रेड करना है। दूसरा, हम ये सारा लॉजिक देखने वाले हैं जो फ्राइडे के दिन ये जो मार्केट चली है। अब कई लोगों को इस मार्केट में यहाँ पर ट्रैपिंग हुई होगी, कई ऑप्शन बायर यहाँ पर ट्रैप हुए। देखिए, मैं मोस्टली ऑप्शन बाइंग करता हूँ तो मैं ऑप्शन बाइंग की चीज़ें बताऊंगा। ऑप्शन राइटिंग मैं सिर्फ पोजिशनल करता हूँ, अगर मेरे को कोई सौदा घर लेकर के जाना है तो ही मैं ऑप्शन राइटिंग करता हूँ, अदरवाइज मैं इंट्राडे में प्योर ऑप्शन बाइंग में करता हूँ। तो सारी चीज़ मैं ऑप्शन बाइंग की बताऊंगा कि यहाँ पर फ्राइडे के दिन जो यहाँ पर मल्टीपल्स अपने को फेक ब्रेकआउट देखने को मिले हैं, यहाँ पर जो ऑप्शन बायर है किस तरीके से ट्रैप हुआ होगा और उस ट्रैप से बचने की स्ट्रैटेजी क्या है, वो टेक्निक क्या है जिससे हम उस ट्रैप से बच सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। बहुत अच्छी अच्छी टेक्निक मैं आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक बिल्कुल कंटिन्यू देखिएगा, स्किप मत करिएगा। काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें बताऊंगा जो आपके ऑप्शन बाइंग में बहुत काम आने वाली हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, पहले मैं वनडे का चार्ट लगा लेता हूँ और वनडे के चार्ट में हम यहाँ पर देख रहे हैं जो हमारे पास जो रेजिस्टेंस लेवल जो बना हुआ है 33,720 का, यहाँ पर देखिए मल्टीपल टाइम्स हम यहाँ से जो है रजिस्ट लेकर के नीचे की तरफ आते हैं और एक दिन हम यहाँ पर देखिए ये ऊपर की तरफ क्लोज भी करते हैं, बट क्लोज करने के बाद अगेन यहाँ पर गैप डाउन ओपनिंग और अगेन इसी रेंज के अंदर। अब यहाँ पर देखिए, ये जो हमारे पास थर्सडे की और फ्राइडे की ऑलमोस्ट यहाँ पर जो हाई लगा हुआ है बिल्कुल सेम हाई लगा हुआ है, और लो जो है हमारा फ्राइडे का थोड़ा सा नीचे की तरफ गया था, बट यहाँ से हम रिकवर करके ऊपर की तरफ आते हैं। अब देखिए, ये लेवल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बना हुआ है 33,720 का। जब तक ये लेवल नहीं निकलता तब तक यहाँ पर बहुत अच्छी बाइंग आने वाली नहीं है, ये मार्केट इसी तरीके से ऐसे 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 करके ही चलेगी। और जब ये 33,700 का लेवल हम निकालेंगे तो ये लेवल हम जाकर के पहले जो है 34,000 के पास हम यहाँ पर जाकर फिर दोबारा रेजिस्टेंस लेंगे, यहाँ से अगेन हम एक सेलिंग प्रेशर देख सकते हैं। तो मंडे के सेशन में किस तरीके से करना है वो भी सारी चीज़ बताऊंगा, और पहले हम चलते हैं देख लेते हैं हमारा चार्ट। यहाँ पर 15 मिनट का चार्ट लगा लेते हैं और 15 मिनट के चार्ट में देखते हैं कि बैंक निफ्टी ने किस तरीके से बिहेव किया। अब देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन देख लीजिए कि ये जो ट्रेंड लाइन है मार्केट कंटिन्यू इस ट्रेंड लाइन से हर्डल ले रही है, बार बार इस ट्रेंड लाइन के पास जाती थी। देखिए, यहाँ से क्या जाती है, यहाँ से 250 पॉइंट ऊपर की तरफ जा रही है, अगेन गैप डाउन ओपन, अगेन यहाँ से 250 पॉइंट जा रही है, अगेन प्राइस नीचे की तरफ आता है, अगेन प्राइस ऊपर की तरफ जाता है, अगेन यहाँ पर हम गैप डाउन ओपन होते हैं 200-250 पॉइंट नीचे की तरफ। ठीक है, तो अब यहाँ से देखिए मार्केट जो चली है ये क्यों इस लेवल पर जाकर के इसने रेजिस्टेंस नहीं लिया, नीचे की तरफ क्यों नहीं आई और ये ऊपर की तरफ ही ब्रेकआउट क्यों हुआ, ये सारी चीज़ें समझाऊंगा। इसके बाद में एक 5 मिनट के चार्ट में चल के मैं ये भी चीज़ समझाऊंगा कि यहाँ पर जो मल्टीपल्स हमारे को फेक ब्रेकआउट्स देखने को मिले थे। अब देखिए, मॉर्निंग टाइम ये 5 मिनट का चार्ट है। अब जैसे कि मैं यहाँ पर दिखाऊं कि मेरे को एक ब्रेकआउट यहाँ पर मिल रहा है, मान लीजिए ये ब्रेकआउट मेरे को मिलेगा कि डे हाई क्रॉस हो गया, बट यहाँ पर मान लीजिए अगर आप एंट्री ले रहे हैं तो एंट्री लेने के बाद अगेन मार्केट नीचे की तरफ और स्टॉप लॉस, इतना बड़ा स्टॉप लॉस तो आप नहीं रख पाएंगे। अब देखिए, अगेन दोबारा मार्केट यहाँ पर जाकर के ब्रेकआउट कर रही है, अब यहाँ ब्रेकआउट कर रही है, आपने समझ लीजिए कि ये ब्रेकआउट कैंडल क्लोज हो गई और अगली कैंडल में इस कैंडल में जाकर आप एंटर कर रहे हैं, अगेन देखिए मार्केट नीचे की तरफ, अब इतना बड़ा स्टॉप लॉस आप नहीं ले पाएंगे। ठीक है, अगेन देखिए यहां पर तीसरी बार ये ब्रेकआउट होता है, ये ब्रेकआउट होने के बाद अगेन देखिए मान लीजिए इस कैंडल में आपने एंट्री की, फिर ये रेड कैंडल्स, अब इसमें देखिए कई बहुत बार मल्टीपल्स फेक ब्रेकआउट, यहां पर भी देखिए ब्रेकआउट होता है जो कि हमारे पास ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस था, और यहां से अगेन अगर आप इस कैंडल में एंट्री लेते हैं अगेन देखिए प्राइस कितना 100-150 पॉइंट नीचे की तरफ आता है। तो मल्टीपल्स जब अपने को कोई भी ऐसा दिन हो जहां पर अपने को बार बार फेक ब्रेकआउट देखने को मिले, उस दिन को कैसे मैनेज किया जाता है, कैसे ट्रेड किया जाता है, ऐसी कौन सी टेक्निक है जिस टेक्निक को यूज करके हम इन चीजों से बच सकते हैं, वो चीजें मैं आज आपको बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर जब भी आपको पहली बार मान लीजिए ये हमारे पास एक ब्रेकआउट हो गया और ये ब्रेकआउट हमने कैंडल ये क्लोज हो गई और हमने कहा कि चलो जब अगली कैंडल इसका हाई ब्रेक करेगी तो हम एंटर करेंगे, अब अगली कैंडल इसका ये वाली कैंडल इसका हाई ब्रेक करती है, अब हम यहाँ पर एंटर करके, बट प्राइस क्या करता है जिस कैंडल ने ब्रेकआउट किया था उस कैंडल का लो ब्रेक कर देता है। समझ लीजिए कि ये पहले ट्रेड में हमारा स्टॉप लॉस गया। अब आपने ध्यान रखना है कि अगर मार्केट ने पहली बार फेक ब्रेकआउट दिया है तो मार्केट इसके बाद भी फेक ब्रेकआउट दे सकती है। मैं आपको इसके बहुत सारे एग्जाम्पल दिखा दूंगा कि जब भी मार्केट एक बार फेक ब्रेकआउट देती है उसके बाद मार्केट कंटिन्यू फेक ब्रेकआउट देती हुई चली जाती है। उस सिचुएशन में आपने बिल्कुल सिंपल टेक्निक है, आपने एक तरीका अपनाना है, उस तरीके को ये चीज़ आपने ड्रॉ करनी है। ये देखिए,
जैसे जैसे मार्केट फेक ब्रेकआउट दे रही है, जैसे कि यहां पर फेक, पहली बार यहां पर दिया फेक ब्रेकआउट, दूसरी बार यहां पर दिया फेक ब्रेकआउट और तीसरी बार यहां पर फेक ब्रेकआउट, तो आपने इन सभी लेवल्स को अटैच करके इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेनी है। और जब तक वो ट्रेंड लाइन ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं होती है, तब तक जो है हमको उस ट्रेड में एंटर नहीं करना है। मान लीजिए पहले ट्रेड में अगर हमारा स्टॉप लॉस हो गया, अब हमको इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट होने के बाद ही ट्रेड करना है। दूसरा हम क्या करेंगे, दूसरा एक ट्रेंड लाइन देखिए यहां से नीचे की तरफ से भी आ रहा था, ठीक है। अब ये ट्रेंड लाइन देखिए, अब यहां पर सेल का व्यू हम सिर्फ और सिर्फ उसी केस में बनाएंगे जब हमारा ये नीचे की तरफ ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होगा। ट्रेंड क्या चल रहा है मार्केट में, मार्केट का जो ट्रेंड था ये ट्रेंड मार्केट में कंटिन्यू अप ट्रेंड था, सो यहां पर अपने को मार्केट के ट्रेंड के साथ जाना है। देखिए ये हमारे पास ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस आ गया, अब ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस आ गया तो यहां से मार्केट में सेलिंग क्यों नहीं आई ये भी बता देता हूं। देखिए पहले हम 15 मिनट के चार्ट में चलते हैं, यहां पर बताता हूं, समझाता हूं मैं आपको कि क्यों सेलिंग नहीं आई, क्योंकि कई लोग पूछते हैं ना कि देखिए यहाँ पर तो ब्रेकआउट भी हो गया, रेजिस्टेंस के पास आ गया, मार्केट नीचे क्यों नहीं गिर रही है। तो सबसे पहले यहाँ पर फोकस करिए कि मार्केट यहाँ पर पहली बार मार्केट टेस्ट कर रही है, यहाँ पर मार्केट ऑलमोस्ट दूसरी बार टेस्ट कर रही है, यहाँ पर तीसरी बार टेस्ट कर रही है, यहाँ पर चौथी बार, और ये क्या है फिफ्थ टाइम। देखिए मैंने आपको पहले भी समझाया हुआ है, कोई भी लेवल अगर मल्टीपल टाइम्स अगर टेस्टिंग होती है तो वो लेवल वीक हो जाता है। मान लीजिए एक बार टेस्ट हुआ और ये दूसरी बार टेस्ट हुआ, ये तीसरी बार टेस्ट हुआ, ये चौथी बार टेस्ट हुआ, अब ये मोस्ट पॉसिबिलिटी है कि फिफ्थ टाइम में ये लेवल ब्रेकआउट हो जाएगा या ब्रेकडाउन हो जाएगा। तो यहाँ पर भी सेम चीज़ थी, मार्केट ऑलरेडी मल्टीपल टाइम्स इस लेवल को टेस्ट कर चुकी थी। दूसरा अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर प्राइस जो है, प्राइस ने अपना प्रीवियस स्विंग लो ब्रेक नहीं किया और प्राइस यहाँ पर 20 की मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेकर के, ये देखिए कभी भी अगर आपको लेवल के ऊपर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देखना है तो 20 की मूविंग एवरेज के लगाइए। 20 की मूविंग एवरेज को जब तक मार्केट ब्रेक नहीं करती है तब तक वहाँ पर जो है सेल का ट्रेड मत बनाइए। फाइनली देखिए ये फिफ्थ टाइम था और फिफ्थ टाइम में मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट ब्रेकआउट कर देती है, तो यहाँ से मार्केट ने एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया और ऑलमोस्ट हम कल के डे हाई के आसपास आकर के हमने यहाँ पर क्लोजिंग दिया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मार्केट यहाँ पर क्यों नहीं गिरी, क्योंकि मार्केट यहाँ पर देखिए कंटिन्यू मल्टीपल बार टेस्ट हो चुका था ये लेवल, ये ट्रेंड लाइन, सो यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ। अभी भी देखिए हमारे पास ये हर्डल बना हुआ है, ये कल का डे हाई, ठीक है, इस डे हाई के पास जाकर के हमने रेजिस्टेंस लिया और क्लोज अभी हमने इसके ऊपर नहीं किया है। सो अब देखिए यहाँ से जो नीचे की तरफ एक ट्रेंड लाइन आ रही है, ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है, अगर ये ट्रेंड लाइन नीचे की तरफ ब्रेक डाउन हो जाती है तो अगेन मार्केट एक सेल साइड में जा सकता है और अगेन हमको जो है फ्राइडे का लो देखने को मिल सकता है। तो चलिए अब हम चलते हैं, मैं एक चीज और आपको समझा देता हूँ कि यहाँ पर 5 मिनट के चार्ट में चलते हैं, 5 मिनट के चार्ट में मैं आपको समझाता हूँ। देखिए अब यहाँ पर हो क्या रहा था, यहाँ पर कंटिन्यू, अब मैं ये ट्रेंड लाइन वगैरह हटा देता हूँ। देखिए ये मैंने आपको समझाना था कि अपने को इस तरीके से ट्रेड करना है कि अगर ये मल्टीपल फेक ब्रेकआउट हो रहे हैं तो जब, अब देखिए यहाँ पर ब्रेकआउट हो गया इस कैंडल का, अब यहाँ पर जाकर के हमको सेल का बाइंग का ट्रेड बनाना है और यहाँ पे कंटिन्यू जो है, देखिए जो हमारा स्विंग लगा हुआ है, स्विंग के नीचे स्टॉप लॉस रख के हम यहाँ पर कंटिन्यू कर सकते हैं। अब मैं एक चीज आपको और यहाँ पर समझा देता हूँ, इस चीज को ध्यान रखिए जो मैं आपको समझाने वाला हूँ। देखिए पहले मैं यहाँ से ट्रेंड लाइन वगैरह हटा देता हूँ और आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर एक 20 मूविंग एवरेज लगा रहा हूँ और यहाँ पर देखिए मार्केट क्या करता है, मार्केट पहली बार यहाँ पर ब्रेकआउट करता है और ब्रेकआउट करने के बाद जो लेवल हमारा, देखिए रेजिस्टेंस एरिया था जहाँ पर मार्केट कंटिन्यू रेंज बना रही थी, इस रेंज को ब्रेकआउट करती है, ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट ये रीटेस्ट करती है, रीटेस्ट करने के बाद ये कैंडल देखिए 20 मूविंग एवरेज को ब्रेक करती है बट इसका लो नहीं ब्रेक होता है और अगेन देखिए सेम चीज यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर मार्केट ने कभी 20 मूविंग एवरेज को नीचे की तरफ क्लोज ही नहीं किया और मार्केट कंटिन्यू ऊपर की तरफ चलेगी, तो ऐसे केस में कभी भी अगर आपको, देखिए सिंपल सा तरीका बता रहा हूं मैं आपको, ज्यादा आपको परेशान नहीं होना है, प्राइस अगर 920 मूविंग एवरेज के ऊपर है तो बाइंग का आप फोकस रखिए और प्राइस अगर 920 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहे हैं तो सेल का ट्रेड लीजिए। बस इतना सा सिंपल सा है, अपने ज्यादा मतलब कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं बनानी है। चलिए अब हम देख लेते हैं कि अपने को मंडे के सेशन में किस तरीके से ट्रेड करना है। वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो रही है लेकिन चीजें अगर आपको समझ में आ रही है तो बहुत अच्छी बात है। अब देखिए यहाँ पर हमारी क्लोजिंग कहाँ पर आई है, क्लोजिंग हमारी बिल्कुल एग्जैक्ट जो कल का डे हाई लगा हुआ था इस लेवल के आसपास आई हुई है। अब देखिए ये जो लेवल है, ये लेवल हमारा एक रेजिस्टेंस एरिया भी है, तो यहाँ पर हम बिल्कुल क्लोज कहाँ पर हुए हैं, बिल्कुल रेजिस्टेंस एरिया के आसपास क्लोज हुए हैं। तो यहाँ से देखिए मेरा व्यू क्लियर कट और बिल्कुल क्लियर कट सेल साइड का है। क्यों सेल साइड का, देखिए अगर मार्केट ने ये लेवल निकाल दिया होता और ऊपर की तरफ अगर मार्केट ने क्लोज किया होता तो मैं यहाँ पर बाइंग का व्यू में बनाता, बट यहाँ पर क्या है, देखिए ट्रेंड लाइन तो जरूर हमने ब्रेक कर दी है, मैंने आपको एक चीज पहले भी समझाई हुई है कि ट्रेंड लाइन के बाद प्रीवियस स्विंग हाई का निकलना बहुत जरूरी है, बट यहाँ पर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट तो हुआ इंट्राडे में बट प्रीवियस स्विंग हाई नहीं निकला है, तो यहाँ पर हमारा व्यू जो होगा बिल्कुल क्लियर कट अगर मार्केट यहाँ पर फ्लैट ओपन होती है
और फ्लैट ओपन होने के बाद मार्केट अगर यहाँ पर रेंज बनाने लग जाती है और नीचे की तरफ ये रेंज ब्रेक डाउन हो जाता है तो मैं क्लियर कट यहाँ पर सेलिंग के लिए जाने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ से एक ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन भी हो चुका होगा और ये वाली रेंज का भी ब्रेक डाउन हो चुका होगा, तो मैं यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कट नीचे की तरफ जाने वाला हूँ, सेल साइड का ट्रेड लेने वाला हूँ अगर मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद इस तरीके से बिहेव करती है तो। अब देखिए, अब मैं समझाता हूँ, अगर मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन होती है, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होती है तो हमारे लिए ये वाला एरिया प्रीवियस स्विंग लो है, ठीक है, ये प्रीवियस स्विंग लो एरिया है। मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होती है तो 33,400 के लेवल से मार्केट यहां पर अगेन एक बाउंस बैक कर सकती है और प्राइस यहां से ऊपर की तरफ जाएगा। ये देखिए, ये सारा एरिया यहां से मैं आपको समझाता हूं, ये पूरा एरिया एक सपोर्ट की तरह काम करेगा 33,400 का। 33,400 देखिए पहले क्या था, पहले यहाँ पर रेजिस्टेंस एरिया था, फिर यहाँ पर सपोर्ट बना, अगेन ये सपोर्ट का ब्रेकडाउन हुआ और अगेन यहाँ पर एक सपोर्ट बनेगा। तो यहाँ पर मार्केट अगर गैप डाउन होती है तो 33,400 के एरिया से मार्केट यहाँ से बाउंस बैक कर सकती है, ये हमारा बाइंग का लेवल होगा और यहाँ से हम जो ट्रेड बनाएंगे उसका टारगेट हमारा जो कल का डे हाई लगा हुआ है मतलब फ्राइडे का, तो ये हमारा टारगेट होगा। अब यहाँ पर जाने के बाद देखिए, जब प्राइस यहाँ पर अगेन पहुंचेगा तो यहाँ पर क्या बनेगा, हमारे पास एक डबल टॉप पैटर्न बन जाएगा और डबल टॉप पैटर्न बनने के बाद यहाँ से मे बी मार्केट अगेन रेंज बना करके यहाँ से हमारा सेलिंग का ट्रेड एक्टिव होगा। मतलब जो आज जो हमारा फ्राइडे का डे हाई लगा हुआ है ये एरिया हमारा सेलिंग का होगा और 33,400 का एरिया हमारा बाइंग का एरिया होगा। अब मैं आपको बता देता हूँ गैप अप ओपनिंग में किस तरीके से अपने को ट्रेड करना है। वैसे बहुत कम चांसेस है मार्केट के गैप अप ओपन होने के, बट अगर मार्केट फिर भी गैप अप ओपन होती है तो मैं समझाता हूँ किस तरीके से आपको ट्रेड करना है। अगर मार्केट समझ लीजिए यहाँ पर एक बड़ा गैप अप ओपन हो जाती है, इस तरफ कहीं ओपन हो जाती है 33,900 के आसपास, तो मार्केट क्या करेगी, मार्केट पहले अपने लिए एक सपोर्ट ढूंढेगी, प्राइस नीचे की तरफ आना स्टार्ट करेगा। अब देखिए ये एरिया क्या था, ये एरिया सारा हमारा रेजिस्टेंस एरिया था, बार बार हम यहाँ से रेजिस्टेंस ले रहे थे, ब्रेकडाउन हुआ। अब यहाँ पर ये देखिए, ये सारा रेजिस्टेंस एरिया, तो ये एरिया ब्रेकआउट के बाद ये सपोर्ट एरिया बन जाएगा। तो फिर यहां से अगेन जब प्राइस ऊपर से गैप अप के बाद नीचे आना स्टार्ट करेगा और जब ये वाली ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होगी तो यहां से हम एक बाइंग का ट्रेड बना सकते हैं। ध्यान रखिएगा ये ट्रेंड लाइन टूटना जरूरी, ये ट्रेंड लाइन नहीं टूटना चाहिए, इसी एरिया पे आके हम सपोर्ट ले सकते हैं और यहां से हम बाउंस बैक कर सकते हैं। इस एरिया में आने के बाद एक तो हमको ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट मिल जाएगा, दूसरा हमारा जो ये रेजिस्टेंस एरिया है वो भी सपोर्ट की तरह काम करने लग जाएगा, तो यहाँ से हमारा जो बाइंग होगा उसका टारगेट हमारा क्लियर कट ये वाला एरिया होगा, 34,100 के आसपास हमारा टारगेट होना चाहिए। ध्यान रखिएगा ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है सबसे इंपॉर्टेंट रोल यही प्ले करेगी, जब तक अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन हो जाती है और प्रीवियस स्विंग लो भी ब्रेक डाउन हो जाता है तो क्लियर कट हम नीचे का एरिया देखेंगे। देखिए मैं आपको समझाता हूँ, पहले ये चीज देखिए कि अगर मार्केट यहाँ पर ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन करती है तो पहला टारगेट हमारा 33,400 का होगा और 33,400 को भी ब्रेक करती है तो हमारा टारगेट ये बिल्कुल क्लियर कट 33,100 का टारगेट यहाँ पर होने वाला है। चलिए उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। दूसरा, अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां पर मैं अपने सारे चार्ट वगैरह शेयर करता हूँ इंट्राडे में, जो भी मार्केट जिस तरीके से चल रही है वो सारी चीज़, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, अपने सारे ट्रेड वहां पर शेयर करता हूँ, तो आप चैनल ज्वाइन करेंगे आपको काफी हेल्पफुल होने वाला है। चलिए उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय माता दी।